खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाने में एक अहम रोल होता है मसालों का। अब मसाले कैसे हैं? मसाले ऐसे होने चाहिए जो फ्रेश हों, तभी खाने का टेस्ट बढ़ता है। अगर मसाले बढ़िया नहीं हैं तो खाना बढ़िया नहीं बनेगा। बाजार में मसाले मिल जाते हैं, फूल मसाले मिलते हैं, लेकिन वो मसालों को जो ब्लेंड करना पड़ता है वो कैसे किया जाता है? शुरू करते हैं एक ऐसा मसाला जो आप घर पे बना सकते हैं, वैसे सारे बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं सांभर मसाला से, क्योंकि ये एक ऐसा है जो समझ नहीं आता कौन से ब्रांड का लिया जाए, समझ नहीं आता है। ऐसा अपने घर में बनाएं। शुरुआत करते हैं कुछ मसालों को लेकर उन्हें ड्राई रोस्ट करने की। धनिया, सूखा धनिया, और इसे ड्राई रोस्ट करने। ये धनिया जो है ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं, ये सूखा धनिया। और इसी तरह से बाकी कुछ हमने चीजें ड्राई रोस्ट करनी है, जैसे ये है राई, जीरा और मेथी दाना, और इसके साथ साथ इसमें ये सूखी लाल मिर्चें, ये भी इसे हमने पीसना है। तो पीसने के लिए ये ले लेते हैं हम, और इसके साथ साथ इसमें कुछ करी पत्ते डाल दें सूखे हुए, उसके साथ साथ हींग और हल्दी, ये हो गया। और अब इसे हम ले लेते हैं इसके अंदर, वाह, और अब इसे पीस लेते हैं हम, ये लीजिए। बस अब इसको थोड़ा, जब ये ठंडा हो जाए, गर्म हो जाता है पीसने से, इसको एयर टाइट बॉटल के अंदर डालकर रखें। अब साल भर का बना सकते हैं? नहीं, ज्यादा क्वांटिटी ना बनाएं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बनाएंगे, फ्रेश जो मसाले हैं उसका फ्लेवर ही काफी अच्छा रहता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे मसाले बनाते हैं, चलिए प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग। ये हो गया सांभर मसाला, और अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ रसम पाउडर कैसे बना सकते हैं। रसम पाउडर के लिए ये कुछ चीज़ें हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, जीरा, धनिया, मेथी दाना, काली मिर्च, और उसके साथ साथ सूखी लाल मिर्चें। अब ये हो गया तैयार, और इसके बाद थोड़ा सा तेल, ये जो तेल है इससे इस दाल को हम भून लेते हैं, और इसे पीसने के लिए ये मेरे पास। और उसके अलावा क्या डालेगा? उसके अलावा हींग बहुत जरूरी है, और हल्दी। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें जरा करी पत्ते भी डाल देते हैं, और जरा दाल की इंतजार कर रहा हूँ, दाल हो जाए लाल और फिर इसे हम पीस लेंगे इसके अंदर। ये जो हमने बाकी मसाले लिए थे ना उसके अंदर, तो ये इसे अच्छी तरह से पीसना है। इसका जो पाउडर है वो महीन होना चाहिए, देख लेते हैं कि कैसा है। अब ये ताजा पिसा हुआ ये मसाला, ये देखिए, फिर इसे ठंडा करके इसे बॉटल के अंदर बंद करके रखें। जब भी आपने सांभर बनानी है तो सांभर पाउडर है, जब भी आपको रसम बनानी है तो रसम पाउडर है, है ना? आसान, सिंपल। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप।
सांभर मसाला, इसके लिए हमें चाहिए एक कप सूखा धनिया, एक छोटा चम्मच राई, डेढ़ छोटा चम्मच जीरा, दो छोटे चम्मच मेथी दाना, 13 बेद की सूखी लाल मिर्चें, 20 करी पत्ते सूखे हुए, 3/4 छोटा चम्मच हींग और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे बनाने के लिए एक पैन में धनिया, राई, जीरा, मेथी दाना और सूखी लाल मिर्चों को ड्राई रोस्ट करें और इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लें। इसमें करी पत्ते, हींग और हल्दी पाउडर डालकर इसे पीसें और सांभर बनाते समय इस्तेमाल करें। रसम पाउडर के लिए हमें चाहिए 2.5 छोटा चम्मच जीरा, 1.5 छोटा चम्मच धनिया, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 2 छोटे चम्मच काली मिर्च, 5 सूखी लाल मिर्चें, 1 छोटा चम्मच तेल, 1/3 कप तुअर दाल, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 30 करी पत्ते। इसे बनाने के लिए जीरा, धनिया, मेथी दाना, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लें और इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा कर लें। एक पैन में तेल गरम करके इसमें तुअर दाल डालें और इसे सुनहरा होने तक भून लें। अब भुने मसाले में हींग, हल्दी पाउडर, करी पत्ते और भुनी दाल डालकर पीसें और इस रसम मसाले का इस्तेमाल करें जरूरत पड़ने पर। आज बने मसालों की खुशबू सुनकर ये साफ हो गया है कि खाने पर अपनी खुशबू की छाप छोड़ने में इन मसालों का कितना बड़ा हाथ है। हर प्रांत के मसालों में कुछ ना कुछ अलग स्वाद पाया जाता है। चलिए देखते हैं शेफ शशांक कदम मालवणी संडे मसाला डालकर शागुदी कैसे बना रहे हैं। ये गोवन शागुदी नहीं, मालवणी शागुदी है। इसके अलावा मालवणी खाने में एक और मसाला काफी इस्तेमाल होता है, वो है सारस्वत टाइप का मसाला। वैसे तो ये मांसाहारी खाने में डाला जाता है, लेकिन शाकाहारी तवा वेजिटेबल्स में डालकर देखते हैं कि कैसा लगता है इसका स्वाद। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल एपिसोड बहुत सारे मसालों वाला, मतलब तरह तरह के मसाले कौन कौन से होते हैं, कैसे घर पे बना सकते हैं। आपने देखा कि सांभर मसाला कैसे बना सकते हैं, रसम पाउडर कैसे बना सकते हैं। अब एक ऐसा मसाला जो गरम मसाला है लेकिन मीठा है, गोड़ा मसाला। या जो लोग वेस्टर्न इंडिया में रहते हैं उनको तो मालूम है कि गोड़ा मसाला कैसा होता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता। तो चलिए, गोड़ा मतलब मीठा, गोड़, गोड़ मतलब मीठा, लेकिन मीठा नहीं है। आप देखेंगे कि काफ़ी फ्लेवर वाला मसाला है और महाराष्ट्रियन खाने में काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका। इसके लिए थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और ये जीरा और शाही जीरा, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और डालनी हैं जैसे इलायची, हाँ काफ़ी मीठी होती है मोटी इलायची, लौंग, स्पाइसी और स्पाइसी, काली मिर्च, अब क्या इसके अंदर डालें, तेज पत्ता और उसके साथ साथ धनिया। ये सब चीज़ें ज़रा मिक्स करनी शुरू कर दें और इसके अंदर दालचीनी, बहुत सारे फ्लेवर वाली जावित्री, मेस। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डालने वाला हूँ। ये तो लाल मिर्च है, ज़्यादा नहीं है, देखिए थोड़ी सी है। और उसके साथ साथ ये मेरे पास सेसमी, तिल। ये जो गोड़ा मसाला है इसके अंदर तिल भी डलता है और उसके साथ साथ खोपरा, ड्राई कोकोनट, ये ज़रा ध्यान से डालें। देखिए मैं लास्ट में डाल रहा हूँ और अभी मिक्स नहीं कर रहा, बताता हूँ क्यों। और एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अलग है, कोई फ्लेवर को बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन अलग सी चीज़ है, इसको कहते हैं दगड़ फूल, स्टोन फ्लावर। ये जो है ये भी इसमें, इसके साथ साथ एक ये जो मसाला है ये है नाग केसर, ये। और अब इसे थोड़ा ठंडा करें और इसे पीस लें। अच्छा ये जो है, ये देखिए ये मेरा जार जो है पीला हो गया क्योंकि इसमें हमने पहले पीसते समय हल्दी डाल दी थी। कोई बात नहीं, घर में ऐसे ही होता है। ये सारी चीज़ें ये देख लेते हैं कैसा है ये, वाह। और ये देखिए ये तैयार हो गया गोड़ा मसाला। अब नॉर्थ इंडियन स्टाइल का गरम मसाला, एरोमेटिक खुशबूदार वाला, मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। उसके लिए आपको
ये जितनी चीज़ें हैं इसे रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके पीस लेना है। क्या क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये जीरा है, इलायची हरी वाली और काली वाली, उसके साथ साथ दालचीनी, स्टार एनीस, फूल चक्री, कितनी अच्छी खुशबू है। कुछ लोग घरों में नहीं डालते हैं, लेकिन आप एक बार डाल के देखिए इसको, जो आपका गरम मसाला है वो कितना अच्छा बनता है। उसके साथ साथ लौंग और जावित्री, और ये है ग्रेटेड नटमेग, और इसे बल्क देने के लिए, थोड़ा सस्ता बनाने के लिए धनिया। अब गरम मसाला है तो कुछ तीखा तो होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा गरम करने के लिए इसे ये काला 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 क्या है ये, काली मिर्च है भाई थोड़ी सी काली मिर्च। सब चीज़ों को आप ड्राई रोस्ट कर लें और पीस लें, और इसको रखें डब्बा बंद, मतलब खुशबू बाहर ना निकले। खैर अभी तो आप नोट करें थोड़ा मसाला और गरम मसाला, इन दोनों की रेसिपीज, और उसके बाद इसका एक रिकैप। मैं लेके आऊँगा छोले मसाला, देखते हैं कैसे बना सकते हैं घर में छोले मसाला ट्रेडिशनल पंजाबी स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच तेल, डेढ़ बड़ा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, चार काली इलायची, 10 लौंग, 3 छोटे चम्मच काली मिर्च, 12 तेज पत्ते, 3/4 कप धनिया, 6 टुकड़े 1 इंच के दालचीनी के, 1 फूल जावित्री का, 4 सूखी लाल मिर्चें, 1 छोटा चम्मच तेल, 1/4 कप सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ, 1 छोटा चम्मच नाग केसर और 1/4 छोटा चम्मच हींग। इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें जीरा, शाही जीरा, काली इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और सूखा धनिया डालकर भून लें। अब इसमें दालचीनी, जावित्री, लाल मिर्च, तिल, सूखा नारियल, दगड़ फूल और नाग केसर डालें और इसे भी भून लें, और इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा करके पीसें और इसे इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें चाहिए 2 फूल चक्री, 6 काली इलायची, 2.5 छोटे चम्मच या करीब 60 काली मिर्च, 10 टुकड़े 1 इंच के दालचीनी के, 1 बड़ा चम्मच लौंग यानी करीब 75 लौंग, 8 हरी इलायची, 1 फूल जावित्री का, 4 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 4 बड़े चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच जायफल ग्रेट किया हुआ और आधा छोटा चम्मच नमक। इसे बनाने के लिए सभी मसालों को सबसे पहले सूखा भून लें और इसके बाद थोड़ा सा ठंडा करें और इसे पीस कर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें और इस्तेमाल करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मेरे साथ हैं अदिति। अदिति स्क्रीन में भी अदिति और स्क्रीन के बाहर भी अदिति। हाँ जी, एक्चुअली उनको कोई और नाम नहीं मिल रहा था, जो लास्ट मिनट पे उन्होंने डिसाइड करके नहीं रखा था, तो दे सेड योर नेम इज अ गुड नेम, हम यही यूज करते हैं मतलब काश मतलब सब सीरियल्स में ऐसे हो तो कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा है क्योंकि अब इन अ वे अच्छा है और इन अ वे अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैं ऑडियंस से मिलती हूँ एंड दे से ओ अदिति अदिति, आई डोंट नो इफ दे आर रेफरिंग टू माय कैरेक्टर नेम और टू मी, तो अपनी पॉपुलैरिटी कुछ समझ में नहीं आती। So, अपनी है या कैरेक्टर की है? खैर अदिति की हम बात कर रहे हैं, सात फेरे वाली भी और वैसे भी सारी। अच्छा अब ये आज का जो एपिसोड है बड़ा स्पेशल है, इसमें आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ ऐसे देख के लगता ही है ना कि कौन क्या खाना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, देख के लगता तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। वो सच भी कह रही है। अच्छा खैर ये जो है चना मसाला जी, कुछ चीजें जो है वो हमें ड्राई रोस्ट करनी है। सबसे जरूरी चीज जो है ये कौन है, मिस्टर जीरा ये आपके लिए ठीक है, तो ये जीरा और ये है मेथी दाना। नहीं नहीं, अच्छा फिर मैं नहीं जानती, कोई बात नहीं, ये है धनिया दाना। धनिया के बीच में से बड़े वाले जो धनिया होते हैं उसके बीच में से निकाला जाता है और उसको दाना बोलते हैं, पर ये होल धनिया, धनिया सीड, उसके साथ साथ दालचीनी, सिनेमन, लौंग, इलायची, और थोड़ी सी अजवाइन और काली मिर्च, कसूरी मेथी। अच्छा, ड्राई मेथी जो होती है वो इसके अंदर, उसके साथ साथ त्रिफला। त्रिफला हाँ सुना तो है मैंने, ये काफी लोग फिश करी में भी डालते हैं। अच्छा तो ऐसा दिखता है ये? हाँ ये त्रिफला, रेसिपीज में बहुत पढ़ा है मैंने त्रिफला त्रिफला, लेकिन वो कभी देखा नहीं है। ये अनारदाना।
अनारदाना, अच्छा सूखा ऐसे मिल जाता है ये? आराम से मिलता है, आराम से मिलता है। ये थोड़ा मॉइस्चर इसके अंदर है, वैसे ज्यादातर रहता ही है, पर अब इसको इस तरह से पीसेंगे तो ये अब खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ ये कुछ जो इंग्रेडिएंट हैं, ये इसको तेज पत्ता ये कमर्शियली डालते हैं इसे सस्ता करने के लिए। सस्ता करने के लिए? बल्क बढ़ जाता है। अच्छा हाँ, और बहुत सस्ता भी होता है। अच्छा, तो घर पे भी ऐसे ही बनाते हैं? घर पे भी डालें नहीं डालें, अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जो बाजार के सीक्रेट है वो भी शेयर करूंगा, अच्छा। इसलिए और सूखी हुई लाल मिर्च। ओके, ये जो है इसे पीसने के लिए डाल देते हैं हम। ऑल योर्स, किचन में काम हो गया ना? वाह, चलिए इसको खोल लेते हैं। नहीं, इसको इसका सिस्टम कुछ अलग है, कुछ अलग है, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ये इस तरह से है। और अब ये जो है चना मसाला तैयार। खैर, अच्छा ये बताओ मुझे, ये सात फेरे में ZTV का मतलब नंबर वन शो इतनी TRPs वगैरह किसी शो में नहीं आई, तो कैसा मतलब बड़ा अच्छा लगता है ना? कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर आप 10 साल भी टेलीविजन में काम करो, बहुत सारे शोज कर लो, लेकिन नंबर वन शो के मतलब टू बी अ पार्ट ऑफ अ नंबर वन शो, वो एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सब लोग जो आपकी टीम है जी, हाँ, वो कैसे रहती है वहाँ पे, कोई लड़ाई वड़ाई रहती है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट हमारी टीम इतनी अच्छी है, हमारा यूनिट इतना अच्छा है, हमारे हम जो एक्टर्स वहाँ पे काम करते हैं, हम सब इतने अच्छे दोस्त हैं कि सेट पे जाते हुए लगता है कि यू नो यू आर जस्ट कमिंग होम, या कहीं आप छुट्टी पे आ गए हो, या यू नो दिन बिताने आ गए हो अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग काम करने आए हैं, किसी सेट पे आए हैं और यहाँ पे अभी 13 घंटे बैठना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। नहीं, एंजॉय योर शो, और इसी तरह से आप बढ़िया बढ़िया चने का मसाला बनाएं। जी हाँ बिल्कुल, आप भी बनाएं, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच जीरा, 3 बड़े चम्मच सूखा धनिया, 2 डंडियां 1 इंच की दालचीनी की, 10 लौंग, 1 मोटी काली इलायची, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 2.5 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 5 त्रिफले, 2 बड़े चम्मच अनारदाना, 10 तेज पत्ते, 10 सूखी हुई लाल मिर्चें, 1 छोटा चम्मच अमचूर, 1/2 छोटा चम्मच सौंठ यानी सूखा अदरक, 1 छोटा चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच काला नमक। इसे बनाने के लिए एक पैन में जीरा, धनिया, दालचीनी, लौंग, काली इलायची, अजवाइन, काली मिर्च, कसूरी मेथी, त्रिफला, अनारदाना, तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर भून लें। अब इसे थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में डालें, इसके ऊपर अमचूर, सौंठ पाउडर, नमक और काला नमक डालकर पीसें और इसे इस्तेमाल करें। और अब बारी है आज की टिप की, भाई मसाले पाउडर को स्टोर कैसे किया? मसाले बनाकर अगर इन्हें लंबे समय तक रखना है तो किसी एयर टाइट कंटेनर में 1/2 कप नमक डालें, फिर इसके अंदर मसाला डालकर इसे ढक्कन लगाकर रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। जी हाँ, मसाला ऊपर रहेगा, नमक नीचे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।